नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत की खास रिपोर्ट। बताने की खबर राजधानी लखनऊ से आई है, जहां दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 आईएएस कोचिंग स्टूडेंट्स की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एलडीए के नए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भी लखनऊ में बने बेसमेंट के अंदर चल रहे कोचिंग संचालकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एलडीए वीसी ने कार्यवाही के निर्देश जारी करते हुए कहा कि जोनल अधिकारी सचिव और अपर सचिव अवैध निर्माण रोकने और बेसमेंट में अवैध रूप से चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए हादसे को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि लखनऊ के हर जोन में सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध निर्माण को रोका जाएगा। साथ ही अवैध निर्माण ना हो इसके लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे अवैध निर्माण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग भविष्य में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ना सके और ना ही वो निर्माण करा सके। इस मौके पर हमारे सहयोगी रितेश श्रीवास्तव ने एलडीए वीसी से खास बातचीत की, देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण में और हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि सर, आज नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन भी किया गया और आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स की एक दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो, उसको लेकर के क्या सीख ले रहे हैं, कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में अब जो अनियोजित तरीके से बनाए गए हैं कोचिंग सेंटर, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दिल्ली में जो घटना घटित हुई वो बहुत ही दुखद है। उसमें जो जनहानि हुई है, जो उसमें बहुत ही दुखद चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर भी जो अवैध निर्माण रोकने का जिम्मेदारी जो शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है, उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। आज विशेष रूप से इसमें एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा सभी जोनल अधिकारियों को सचिव अपर सचिव की एक टीम बनाकर, संयुक्त सचिव की टीम बनाकर इन लोग को जोन में रवाना किया गया है। पुलिस विभाग से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है और डीएम साहब ने भी हमारे साथ एडीएम की टीम लगाई हुई है। तो जो ऐसे निर्माण कार्य हैं, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर विशेष रूप से बेसमेंट में पढ़ाई की जा रही है, बेसमेंट में जो चीज़ें अनुमन्य नहीं हैं, जिनमें मानसून के सीज़न में दुर्घटनाएँ घटित हो सकती हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध नोटिस देंगे और उसमें सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। इसका पूरा विवरण जब एक बार आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी, वो हम आप लोग को प्राप्त कराएंगे। सर, बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो कमर्शियलाइज हैं, वहाँ पर बेसमेंट में कमर्शियल तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर कई दुकानें भी खुल चुकी हैं, कई सारे गोदाम भी बनाए जा चुके हैं, तो इन पर इस तरीके की कैसे कार्रवाई की जाएगी? जो भी जो हम लोग का एक्ट है, प्राधिकरण का एक्ट है, उसमें धारा है इस चीज़ की उपलब्ध, उसमें उनके विरुद्ध नोटिस देके उनके विरुद्ध अवैध निर्माण रोकने का, सीलिंग करने का और ध्वस्तीकरण का आदेश प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण सक्षम है। इसमें सर्वे कराकर सूचना प्राप्त करके कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी जहाँ भी बायलॉज के विपरीत काम हो रहा है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस समय सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है कोचिंग सेंटर्स का निकल करके आ रहा है, कोचिंग सेंटर्स में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि छोटे छोटे मकानों में, भवनों में, जो निजी मकान है, निजी घर है, उनमें चला जा रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश हैं? जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो है इसमें टीम गठित करके आज हम लोग एक पूरे अभियान चला रहे हैं, तो उससे सख्ती की जाएगी, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग जो एक इसका हम लोग ओरिएंटेशन सेशन भी करेंगे, हम लोग इसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शीघ्र ही इसमें एक वर्कशॉप भी कराएंगे कि जो लोग ऐसे अवैध निर्माण कर रहे हैं, उन लोग को कई बार जानकारी भी नहीं होती है कि क्या सर्टिफिकेट चाहिए, फायर सर्टिफिकेट चाहिए, लिफ्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसका मैंने अपनी टीम को बोला है कि एक कंपेंडियम बना के हम प्रस्तुतिकरण भी करेंगे ऐसे जितने लोग हैं, और फिर उनको ओरिएंट करेंगे। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से निजी कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, उन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सभी जोन में उसकी जांच की जा रही है और अगर अनियमितता मिलती है तो उन पर जरूर कार्रवाई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।